हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और ये मंडे मॉर्निंग है और आज ना कार्तिक पूर्णिमा भी है, तो आज के दिन का मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो ये अर्ली मॉर्निंग मैंने ये अपना उपटन तैयार किया था, आज मैं इसी से नहाऊँगी। तो बस यही उपटन है और ये उपटन ना बहुत ही अच्छा है। मतलब मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी, तो मुझे ये बना के रखना पड़ा था। और मॉर्निंग में बस दो चार चीज़ें मैंने ऐड की हैं, तो इसी से मैं आज नहाई हूँ। और इस समय 11 बज रहे हैं, नाश्ता मैं बना चुकी हूँ। आलू फलियाँ की सब्ज़ी बनाई थी और बच्चों के लिए आलू का पराठा था, तो वो लोग तो नाश्ता कर चुके हैं, अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है। और मेरी तबीयत ना ठीक नहीं है, मेरे कान से ना बहुत ज़्यादा पस आ रहा है और सिर में बहुत तेज़ दर्द है। मैं खड़ी होती हूँ ना तो चक्कर टाइप का आता है। तो फ़िलहाल इस व्लॉग में आपके साथ में अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ, स्टडी रूटीन। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि आप अपनी स्टडी रूटीन शेयर कीजिए, तो देखिए इस व्लॉग में कि मैं कब और कैसे करके अपनी स्टडी करती हूँ। तो फ़िलहाल स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं अपना मंत्र लेखन करूँगी। मैं मंत्र लेखन बहुत दिनों से कर रही हूँ, ये मेरी दूसरी कॉपी है। और मैं तो कहती हूँ ना कि अगर आप किसी भी भगवान को मानते हो ना, तो उनसे रिलेटेड कोई एक मंत्र लेकर आप मंत्र लेखन जरूर करो। इससे क्या होता है कि माइंड और बॉडी दोनों इन्वॉल्व हो जाता है और आपको काफ़ी अच्छा भी फील होता है और विशेज़ भी फुलफ़िल होती हैं। तो इस करके मंत्र लेखन ज़रूर करना चाहिए। तो फ़िलहाल मैं अपना मंत्र लेखन कंप्लीट करने के बाद मैं अपना जो भी है सिलेबस और बुक लेकर बैठ गई पढ़ने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं किस चीज़ की स्टडी कर रही हूँ। तो मैं डिप्लोमा टीचिंग कोर्स कर रही हूँ जो कि 2 साल का होता है और ये मेरा फाइनल ईयर है। और 27 मई को फाइनल एग्ज़ाम होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से स्कूल और कॉलेजेस सब बंद हो चुके थे, तो उस समय मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ। अब 10 दिसंबर को फाइनल एग्ज़ाम होना है, तो बस बहुत अर्जेंट है फ़िलहाल पढ़ना। और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं रिवीजन में कई बार ले चुकी हूँ, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छी खासी मेरी रिवीजन हो चुकी है, लेकिन फिर भी लगता है ना कि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो पढ़ लो। तो जब मुझे टाइम लगता है मैं अपनी बुक लेकर बैठ जाती हूँ और रिवीज़न करने लगती हूँ। तो बस मैं यहाँ बैठी थी कि दीदी ने मुझे बुला लिया, वो चंडीगढ़ से आई हुई हैं, उनके घर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा है ना, तो मुझे वहाँ जाना है। और हर महीने मैं भी करवाती थी, लेकिन मंथली प्रॉब्लम की वजह से मैं पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं करवा पाती हूँ, तो मैं एकादशी वाले दिन व्रत रखती हूँ और उनकी पूजा करती हूँ। तो फ़िलहाल मैं ठीक हुआ और आलू फलियों की सब्ज़ी लेकर बैठ गई, मुझे रोटी बनाने का मन नहीं किया, तो यही मैं खाऊँगी। और इसको खाने के बाद, और ये कपड़े ना मैंने अर्ली मॉर्निंग ही धोए थे, बहुत सारे कपड़े, आधे कपड़े मुझे छत पे लेके जाने हैं। और ये 3-4 बेडशीट है जो कि मैं यहीं पे पसार लूँगी। और धूप देख रहे हो किधर घिसक गई, तो जहाँ जहाँ धूप जाती है वहाँ वहाँ मैं भी जाती हूँ। मैं छत पर बहुत कम बैठती हूँ, तो बस यहीं पे गली में ही मैं बैठ जाती हूँ, गैलरी में ही, यही मेरे लिए जगह काफ़ी ठीक है। तो बस कपड़े पसारने के बाद फिर देखिए आगे क्या करती हूँ। छोटा बच्चा मैया की गोदी में आता है या बड़ा बच्चा आता है? छोटा बच्चा। तुम क्या हो? छोटा बच्चा। इतने बड़े हो गए बेटा, 6 साल के हो गए हो? अभी तक 6 ही तो साल का हूँ। मुझको बोलते है तो क्या मैं आपका बच्चा हूँ, मैं अपनी मैया की गोदी नहीं आऊँ? उसको बोलती तुम मेरे से दूर हो जाओ, दफा हो यहाँ से। ए यशवीर, तेजस मत मारो बेटा। तो प्रसाद ले लिया? कहाँ गई थी? तो गिरो में हमें भी लेकर जाएंगे। मैं तो लेके चली आई थी। धुआं जो लगा है ना, ये सिर और खांसी जैसा लग रहा है। बुढ़ो का वही ले है ना शादी का? हाँ, उनको भी शादी चलान चलेगा। प्रसाद ले लिया?
मैं भी चलू साथ। जाओ आप अकेले नहीं जाओगे? हम ही घर का खुला के चेहरा हो सब का घर में निकले ये वाला जानवर ना सही हो तो ये भी फूलन का ही है, ये भी फूल वाला ही है। तो अच्छे से इसके साथ ही है। चल कमेंट ले लो, मैं हमने तंत्र से पटा देते हैं नीचे भी नहीं चीज कटे में कहीं नहीं कह दो कहा। हाँ और मुझे दोपहर में बोली थी फोन भी करने के लिए आपको, तो मैं की नहीं। मैं तो चाची तो आ ही जाती हैं बोलने पे, तो क्या फोन करूँ। ठीक है चाची चलो, मुझे लेके ही जाओगे? लेके नहीं गए, पूता सीखे। हाँ ये बात है, ये क्या दरकार होता है? ये भी खरीदी थी ना, ये अच्छी खोला ऑनलाइन खरीदी थी। ये वो चादर, हाँ कौन चादर की हुआ? ये वाला बेडशीट, बेडशीट ली थी दिवाली पे, नहीं भी थे ये रंग जरा भी नहीं निकला, नहीं निकला। मुझे लगा कॉटन है रंग निकलेगा। ये कौन है? अच्छा ये है। आजा, बहुत घूमती है ना बाहर, आऊंगी ना स्कूल क्लास लेने तो सबसे पहले तेरी ही परेड होगी। तो आज का व्लॉग देखकर आपको क्या लगा? मेरा कोई रूटीन फॉलो होता है स्टडी का? नहीं हो पाता है। जब मुझे टाइम लगता है मैं अपना पढ़ने बैठ जाती हूँ, और जो होता है ना कि 2 घंटे पढ़ूंगी, 1 घंटे पढ़ूंगी, 3 घंटे पढ़ूंगी, ऐसा नहीं हो पाता है। और अभी तो दिवाली छठ ख़त्म ही हुआ है, सबको यहाँ पर है, किसी के घर जाना किसी का आना लगा ही रहता है। और जब कोई आए और किताब लेकर बैठी रहूँ तो वो भी नहीं अच्छा लगता, और किसी को मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। मायके में थोड़ी सी चीज़ें ईजी हो जाती है क्योंकि मम्मी होती है तो हर चीज़ संभाल लेती है। जैसे मैंने MBA मम्मी के यहाँ लुधियाना से ही किया, तो मम्मी देख लेती थी तेजस को, तेजस मेरा उस समय 9 महीने का था तो वो संभाल लेती थी। और ससुराल में सास भी होती है ना, तो बहू को इतना सुख नहीं है कि वो दिन भर किताब लेके पढ़ती रहे और सास सर घर का सारा काम करे। क्योंकि मुझे पता है, मैं जब BPSC की तैयारी कर रही थी तो मैं रात के 11-11 बजे तक, 12-12 बजे तक मैं पढ़ी हूँ, क्योंकि यशवीर खेलता था पता नहीं, और खेलते खेलते कैसे रोने लगता था। मुझे पता है कि वो जब खेलता था तो सिर्फ खेलता था, रोता नहीं था। पापा लेकर जाते थे बारी उसको कि ये खेल रहा है, ले जाते हैं ये पढ़ लेगी, और उधर से सास उसको वापस रख देती थी गेट पे ही, और वो रोते रोते मेरे पास आता था। ये वाली कंडीशन में मैंने BPSC की तैयारी की थी। अलग बात है मेरा PTUT क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि उस समय मुझे पैटर्न कुछ समझ नहीं था, जस्ट एक लगा कि चलो एग्ज़ाम देना चाहिए, तो नहीं हो पाया। तो ससुराल में रहकर पढ़ना मुश्किल हो जाता है। और अब भी मैं अगर पढ़ रही हूँ ना, तो मैं अपने दम पे पढ़ रही हूँ, सब चीज़ संभालते हुए, सब कुछ करते हुए। ना तो मेरी कोई दाई है, कोई हेल्पर नहीं है, हस्बैंड भी मेरी हेल्प नहीं करते हैं। बच्चे पता ही है बेटे होते कैसे हैं, बहुत ही कम बेटे होते हैं जो मम्मा की मदद करते हो। तेजस यशवीर अभी बच्चा है, तेजस बेशक बड़ा हो गया लेकिन उसकी उतनी उम्र नहीं है, लंबा हो गया काफ़ी। और यशवीर तो आप देखते हो एकदम चिपकू बाबू है, वो एकदम से रात को भी जब तक मैं उसको सुलाऊंगी नहीं वो नहीं सोएगा। अगर मैं बुक लेके बैठी रहती हूँ ना तो बोलता है मम्मा आपके बिना नींद नहीं आती, तो मुझे बुक रख के उसको सुलाना पड़ता है। जब तक मैं उसे सीने से नहीं लगाऊंगी, वो मेरे सीने से लग के नहीं सोएगा, तब तक उसको नींद नहीं आएगी। तो बस और क्या बातें बोलूँ, बोलने के तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वीडियो छोटा करने की वजह से मैं बातें नहीं ज़्यादा कर पाती हूँ। तो चलिए अब दोनों बच्चों को दूध दे देती हूँ, दूध का टाइम हो गया। बर्तन अभी रखे हुए हैं किचन में साफ़ करने को, बर्तन साफ़ करके और फिर उसके बाद डिनर बनाऊँगी। जोत तो मुझे जलाना नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि मैं क्यों नहीं ज्योत जलाऊंगी। तो इसका आधा घंटा थोड़ा सा मेरे पास टाइम मिल गया, नहीं तो ज्योत जलाने जाप करने में आधा पौना घंटा मेरा जाता है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद देखिए मेरा और सब क्या काम होता है। और देखिए शाम के कितने सारे बर्तन थे, तो इन सब बर्तन को धोने के बाद मैं अपना डिनर बनाऊँगी। और ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है मुझे, सिर्फ रोटी बनाना है। तो रोटी बनाने के बाद जो भी टाइम बचेगा तो उसके बाद फिर देखती हूँ मैं अपनी स्टडी कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। और आप लोग जानते ही हैं कि मेरे घर हेल्पर पहले काम करती थी, लेकिन फ़िलहाल वो नहीं आती है। और उसको मैं और कोई हेल्पर रखूँगी कि नहीं रखूँगी अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि हाउस हेल्पर के भी बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं और इतने सारे नखरे ना मुझसे बर्दाश्त होने वाले नहीं है, तो इस करके अभी फिलहाल कोई हाउस हेल्पर नहीं है।
तो मैं सोची थी कि रोटी बना के फ्री हो जाऊंगी, लेकिन मेरे तेजस बाबू की डिमांड थी कि मम्मा आलू का भुजिया बना दो, क्योंकि मैं सवेरे आलू फलियां वाली सब्जी नहीं खाऊंगा, सवेरे की वो सब्जी नहीं खाएगा, तो उसके लिए मैं ये आलू का भुजिया बना रही हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और आज है ट्यूसडे, अभी बज रहे हैं 11, और कल का व्लॉग मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। रीज़न ये है कि खाना बनाने के बाद फिर मैं तेजस बुला रहा था तो उसके पास चली गई, तो याद ही नहीं रहा कि वीडियो भी एंड करना है। और रात की रोटी गर्म कर रही हूँ अभी खाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड है ना, वो पूजा में गए थे कहीं पर, तो वहीं से प्रसाद ले आए, तो खीर पूरी सब्जी ये सभी चीज़ें थी, तो सबको वही हो गया, तो ये रोटी बची हुई है, तो हस्बैंड भी यही खा कर गए, मैं भी यही खाऊंगी। पापा के लिए और बच्चों के लिए मैंने रोटी सेक दिया था, आलू गोभी की सब्जी बनी है, अभी फिलहाल आलू गोभी आलू फलियाँ यही बनेगी। मैं जब मार्केट जाना शुरू करूंगी ना, फिर उसके बाद सब्जियां लेकर आऊंगी अपने हिसाब से। अभी स्टाफ जाती है तो उसको कुछ नहीं समझ में आता, वो गोभी उठा के ले आती है, तो इसलिए कोई रेसिपी शेयर करने का मतलब ही नहीं बनता फिलहाल। तो चलिए, आपने देख ही लिया मेरा स्टडी रूटीन, कोई पर्टिकुलर रूटीन नहीं होता है। और अभी 11 बजे मैं फ्री हुई हूँ, तो अभी नाश्ता कर रही हूँ, पूजा करना नहीं था, इस करके घर का काम करने के बाद मैं थोड़ा सा नहाई, कपड़े उपड़े कल के ऊपर ही रखे हुए हैं, कपड़े लेने जाऊंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, अगर आप मेरे वीडियो से थोड़े से भी मोटिवेट हुए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बस आप सब बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, लव यू ऑल। बासी रोटी किसको अच्छी लगती है गर्म करने के बाद?